दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ कन्यादान योजना के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने अक्षत और पुष्प वर्षा के साथ 340 जोड़ों को आशीर्वाद और चेक भी प्रदान किया। 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव के पहले दिन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत 340 जोड़ों की शादी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में सम्पन्न हुई, जिसमें सीएम ने अक्षत और पुष्प वर्षा करके जोड़ों को आशीर्वाद भी प्रदान किया। इसके बाद इन्होंने इस योजना को लेकर कुछ जोड़ों से बातचीत की और कहा कि आने वाले सालों में गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा। सीएम ने इस दौरान 4 जोड़ों को आरटीजीएस के रूप में दिए जाने वाले 21,000 रुपए का चेक डमी के रूप में वितरित किया। वहीं आज पार्श्व गायक हरिहरन अपनी प्रस्तुति रायपुर के आसना भी चित्रकूट महोत्सव के दूसरे दिन मशहूर पार्श्व गायक हरिहरन गीतों की प्रस्तुति देने वाले हैं। इसी के साथ ही रायपुर की आसना दिल्लीवार भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कथक की प्रस्तुति देने वाली है। बताया जाता है कि 5 से लेकर 7 मार्च तक चित्रकूट में चल रहे इस चित्रकूट महोत्सव में कई बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है। और अब बिलासपुर से अंबिकापुर के माध्यम से भी अब ट्रेन जो है अयोध्या होकर जाने वाली है। सरकारी खर्च पर 850 लोग रामलला के दर्शन करने निकल चुके हैं। मुख्यमंत्री ने इनको हरी झंडी दिखाकर विदा किया है। छत्तीसगढ़ से बिलासपुर और अंबिकापुर से ट्रेन अयोध्या के लिए निकलने वाली है, जहाँ से सैकड़ों लोगों को सरकारी खर्च पर रामलला के दर्शन करने के लिए जाया जाएगा। वहीं इसकी जानकारी मंगलवार को खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी। वहीं ये सभी लोग अयोध्या और आसपास के तीर्थ स्थलों के दर्शन करेंगे। रायपुर के रेलवे स्टेशन से अयोध्या जाने वाली 12 कोच वाली विशेष ट्रेन रवाना हो चुकी है। इसे हरी झंडी दिखाकर सीएम ने रवाना किया है। जय श्री राम के नारे के साथ पूरा रेलवे स्टेशन का वातावरण भक्तिमय बन गया। 5 मार्च को श्री रामलला के दर्शन योजना की शुरुआत कर दी गई और स्पेशल ट्रेन से रायपुर और आसपास के जिलों से तकरीबन 850 श्रद्धालुओं को खुद मुख्यमंत्री ने रेलवे स्टेशन से विदा किया। प्रदेश में आने वाले 3 दिनों में 3 डिग्री तक तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। रायपुर में बादल और शुष्क हवा के आने के साथ ही मौसम अब साफ हो चुका है। 1-2 जगहों पर हल्की बारिश की संभावना हालांकि अभी भी बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में अगले आने वाले 3 दिनों तक तापमान में 2 से 3 डिग्री तक वृद्धि होने की संभावना है और इससे प्रदेश के सभी हिस्सों में गर्मी में हल्की वृद्धि जरूर होगी। अभी ज्यादातर जगहों पर दिन का पारा सामान्य या फिर सामान्य से कुछ कम है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में वृद्धि के बाद कुछ दिनों तक स्थिर रहेगा, यानी गर्मी लगातार बनी रहेगी। वहीं प्रदेश में शुष्क हवा आने के साथ ही मौसम साफ और स्पष्ट हो चुका है। इससे दिन के तापमान में वृद्धि होगी और अभी गर्मी की तुलना ज्यादा महसूस होगी। सुबह के समय हवा में नमी घटकर 60-70% के बीच हो गई है। वहीं शाम को अधिकांश जगहों पर नमी 34-45% के बीच बना हुआ है। और अब श्रमिकों के लिए 5 रुपए में भोजन देने की योजना धरातल पर आ चुकी है। श्रम मंत्री ने कहा कि हड़बड़ी में खाना खाकर नहीं आ पाते, दाल भात के निर्देश से इनको फायदा मिलेगा। दरअसल बालको में शहीद वीर नारायण सिंह श्रम अन्न योजना के अंतर्गत निर्माण संगठित और असंगठित वर्ग के श्रमिकों को 5 रुपए में भरपेट भोजन दिया जाएगा। श्रम उद्योग और वाणिज्य मंत्री लखनलाल देवांगन ने बीते दिन इस भोजन की व्यवस्था कर दाल भात केंद्र का शुभारंभ कर दिया। मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि देश के विकास में श्रमिकों का बहुत बड़ा योगदान है। श्रमिकों ने सड़क, पुल, पुलिया, महल सहित अन्य बड़े बड़े कार्य किए हैं। उद्योग मंत्री होने के नाते उनकी भी कोशिश है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा उद्योग स्थापित हो और छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार मिले। वहीं यहां पर बात करें तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने गरीबों और जरूरतमंदों के लिए योजना बनाई, मंत्री देवांगन ने कहा। वहीं वर्तमान की बात करें तो यहां 21 स्थानों पर दाल भात केंद्र प्रारंभ किए गए हैं, अन्य 22 स्थानों पर भी इसका संचालन किया जाएगा। वहीं कोरबा जिले में 3 स्थानों पर दाल भात केंद्रों का संचालन होगा। मंत्री देवांगन ने कहा कि बहुत से श्रमिक भाई कार्य की वजह से हड़बड़ी में घर से खाना खाकर नहीं आ पाते और ऐसे में दाल भात केंद्र के माध्यम से ही कम कीमत पर भोजन उनके लिए लाभदायक साबित होगा। पूरे प्रदेश में इस योजना का विस्तार किया जाना है, जैसा कि चुनाव के पहले वादे के रूप में इसको लागू करने की योजना बनाई गई थी भाजपा के द्वारा।
रायपुर में फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का ट्रेलर लॉन्च किया गया बीते दिन, जहां 15 मार्च को पूरे देश भर में ये मूवी रिलीज होने वाली है। एक्ट्रेस अदा शर्मा ने कहा कि मैं बेहद एक्साइटेड हूं। फिल्म द केरला स्टोरी फेम एक्ट्रेस अदा शर्मा स्टारर फिल्म बस्तर द नक्सल स्टोरी का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रायपुर के पचपेड़ी नाका स्थित एक मॉल में किया गया। निर्माता विपुल अमृतलाल शाह ने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया और इस दौरान अभिनेत्री अदा शर्मा समेत फिल्म के स्टार कास्ट मौजूद रही। इस फिल्म में बस्तर में नक्सलवाद और फोर्सेस के बीच का संघर्ष दिखाया जाएगा, साथ ही कुछ ऐसे मुश्किल हालातों में गांव वालों की परेशानी, नक्सलियों की जन अदालत और सलवा जुलूम जैसे इससे जुड़े तमाम सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। अदा शर्मा की इस मूवी लीड रोल में है और इससे पहले की इस मूवी में 2 टीजर और पोस्टर रिलीज किए जा चुके थे। सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म ट्रेलर में अदा शर्मा को बेजोड़ अंदाज में देखा जा सकता है। मेकर्स ने कहा कि दर्शकों को लुभाने वाले सभी एलिमेंट से भरपूर ये फिल्म उन्हें एंटरटेन करने की क्षमता रखती है। महासमुंद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल में जो है आपस में झड़प हो गया, जहां पुलिस के माध्यम से झूमा झटकी को रोकने की कोशिश की गई। गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए ये रैली निकाली गई थी, जहां मवेशी बाजारों की आड़ में तस्करी को लेकर इन्होंने आरोप भी लगाया। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने गौ तस्करी का विरोध और गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर रैली निकाली और इस दौरान बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झटकी हो गई। इस दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री अखिलेश लूनिया ने कहा कि मवेशी बाजारों की आड़ में मवेशी तस्करी का खेल चल रहा है। उन्होंने कहा कि बरोड़ा बाजार, बिछिया और सरायपाली में संचालित मवेशी बाजारों से गौ तस्करियां की जा रही हैं। वहीं हजारों की संख्या में मवेशियों की तस्करी हो रही है, बजरंग दल के जिला संयोजक इवन साहू ने कहा। वहीं ओडिशा में गौवंश की तस्करी का मामला सामने आया था। जिला प्रशासन को बजरंग दल की चेतावनी भी देखने को मिली, जहां इवन साहू ने कहा कि गौ तस्करी पर प्रशासन से निरंतर असहयोगात्मक व्यवहार से हमारा संगठन अत्यंत चिंतित और आक्रोशित हो चला है। भाजपा चुनाव प्रबंधन समेत कुल 36 विभागों की एक सम्मिलित बैठक आयोजित की गई, जहां प्रदेश के 40 लाख लाभार्थी परिवारों तक पहुंचने की कार्ययोजना बनाई गई, जहां 14 तारीख को एक विशेष अभियान चलाया जाना है। लोकसभा चुनाव की कार्ययोजना बनाने के लिए भाजपा ने बीते दिन चुनाव प्रबंधन समिति समेत अन्य समितियों की मैराथन बैठक आयोजित करी। प्रदेश कार्यालय कुशाभाव ठाकरे परिसर में प्रबंधन समिति की पहली बैठक आयोजित हुई, जहां बैठकों का सिलसिला देर रात तक चला। इस बैठक के दौरान कुल 36 विभागों के कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा की गई, साथ ही प्रदेश के 40 लाख लाभार्थी परिवारों तक पहुंचने की रणनीति पर चर्चा की गई। इसी के साथ ही 14 मार्च को इस संबंध में प्रदेश में एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय हुआ है। इस अवसर पर प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने कहा कि योजना बनाने के साथ ही उसका समय से क्रियान्वयन यानी एग्जीक्यूशन भी जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि भाजपा चुनाव जीतेगी, इसीलिए इस समिति की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज के खिलाफ बगावत देखने को मिल रहा है उनकी ही पार्टी में, जहां बेटे के लिए कवासी लखमा दिग्गजों के नाम पर फैसला लेने दिल्ली पहुंच चुके हैं। दरअसल लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन के लिए कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीते दिन नई दिल्ली में आयोजित की गई और इस दौरान आज आयोजित होगी, जहां इस बैठक में छत्तीसगढ़ के सभी 11 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का चर्चा होगा। और इसके पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ पूर्व कवासी लखमा ने मोर्चा खोल दिया है। लखमा अपने बेटे हरीश लखमा को बस्तर से टिकट देने की मांग को लेकर दिल्ली पहुंच चुके हैं। वे अपने बेटे और समर्थकों के साथ दिल्ली पहुंचे हैं। बताते हैं कि लखमा ने आला कमान के साथ ही सामने ही दीपक बैज को टिकट नहीं दिए जाने की मांग की है। लखमा के साथ उनके बेटे हरीश लखमा, विक्रम मंडावी, संतराम नेताम, मिथिलेश स्वर्णकार, राजीव शर्मा और राजमन बेंजाम समेत कुछ जिलाध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य भी दिल्ली पहुंचे हुए हैं। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां प्रदेश में अब 3 नए सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज की शुरुआत होने जा रही है। धर्म और संस्कृति को सहेज करके रखने के लिए अब छत्तीसगढ़ में कर्मकांड, ज्योतिष विज्ञान और योग दर्शन में सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा के कोर्सेज शुरू किए जाने हैं। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने मंगलवार को ये बड़ा निर्णय कर लिया है। ये निर्णय छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम की बैठक के दौरान लिया गया। छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडलम की बैठक में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं
मुद्दों पर चर्चा की गई और निर्णय भी लिए गए। वहीं इस बैठक में सभी जिलों में कक्षा 12वीं तक के शासकीय संस्कृत विद्या मंडलम के स्कूल खोलने का भी निर्णय हुआ। इसी बीच राज्य ओपन स्कूल में ऑनलाइन क्लास का संचालन करने का निर्णय लिया गया। साल में 3 बार राज्य ओपन स्कूल की परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। शिक्षा मंत्री ने शिक्षा माफियाओं पर नकेल कसने के लिए केंद्रों की सतत निगरानी का निर्देश भी जारी किया। रिसु हत्याकांड के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की कार्यवाही की तैयारी पूरी हो चुकी है और इस दिन तोड़फोड़ की कार्यवाही को अंजाम शुरू किया जा सकता है। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर निवासी 10 वर्षीय बालक रिसु के अपहरण व हत्या के मामले में प्रशासन ने एक बड़ी कार्यवाही की तैयारी कर ली है। हत्याकांड के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। संभवतः बुधवार को तोड़फोड़ की कार्यवाही शुरू होगी और इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी होगी। गौरतलब है कि प्रशासन ने 2 दिन पूर्व ही परिजन को रिसु की अस्थियां सौंपी थी, पर रिसु के पिता ने कहा था कि जब तक आरोपियों के घरों पर बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक वह अपने बेटे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गौरतलब है कि प्रतापपुर के होटल व्यवसायी अशोक कश्यप का बेटा रिसु कश्यप 10 वर्ष पिछले 29 जनवरी से लापता था। उसके पड़ोस के 2 युवकों ने रिसु को उसकी दिन करसी के जंगल में ले जाकर हत्या कर सबको जला दिया था। फिर पिता को कॉल कर 6 लाख रुपए की फिरौती की डिमांड की गई थी। पुलिस जांच के दौरान 26 फरवरी को बालक के अपहरण व हत्या के 2 आरोपियों शुभम सोनी और विशाल ताम्रकार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। डोंगरगढ़ में वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव अब होने जा रहा है। रूट और समय की डिटेल्स अब जारी कर दी गई है। रेलवे ने मुसाफिरों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर व नागपुर के मध्य चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस का ठहराव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के डोंगरगढ़ स्टेशन पर दिया जा रहा है। ये ठहराव प्रायोगिक तौर पर 6 मार्च से वंदे भारत की ओर से शुरू किया जा रहा है। 7 मार्च को बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को ठहराव दिया जा रहा है। नागपुर से बिलासपुर जाते वक्त वंदे भारत एक्सप्रेस गोंदिया 15:36 पर पहुंचेगी और 15:38 पर रवाना होगी। वहीं डोंगरगढ़ 16:29 पर पहुंचने वाली है और 16:30 पर रवाना होने वाली है। राजनांदगांव में 16:44 पर तो वहीं रवानगी 16:45 पर होने वाली है। और इसी तरह बिलासपुर से नागपुर जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस गोंदिया 10:23 पर पहुँचने वाली है। युवाओं और बेरोजगारों के लिए 10 चुनावी वादों का ऐलान अब कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के द्वारा किया जा सकता है। घोषणा पत्र का मसौदा तैयार किया जा चुका है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और इसको लेकर सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो चुके हैं। इस बीच कांग्रेस सूत्रों की माने तो राहुल गांधी इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ एक रैली को संबोधित करेंगे। उम्मीद है कि इस दौरान युवाओं और बेरोजगारों के लिए चुनावी घोषणा के वादे किए जा सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बात करें तो घोषणा पत्र तैयार करने के साथ जिम्मेदारी संभाल रहे कांग्रेस पैनल ने मसौदा पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और अब कांग्रेस कार्य समिति इस पर चर्चा करेगी। घोषणा पत्र समिति के प्रमुख पी चिदम्बरम ने कहा कि मसौदा रिपोर्ट खड़गे को सौंपा जाएगा। मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ के सामने भी जलवायु परिवर्तन को चुनौती दी, जहां रायपुर में क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव की शुरुआत की गई। कहा, संतुलन बना रहे ये सबकी जवाबदारी है। रायपुर में वन और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से 2 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिए प्रदेश की भूमिका और भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए ये कार्यशाला बहुत उपयोगी साबित होगी। 2 दिवसीय इस कार्यक्रम में 15 राज्यों और राष्ट्रीय स्तर के कई संस्थानों के प्रतिनिधि अमृतकाल में हरियर छत्तीसगढ़ का मार्गदर्शन प्रशस्त करेंगे। कॉन्क्लेव में जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों और इसके असर के बारे में देश में जाने माने विशेषज्ञ को अहम जानकारियां और अनुभव साझा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना को लेकर खबर है, छत्तीसगढ़ बोर्ड से मेरिट सूची जारी। आवेदन करने के लिए 25 मार्च तक पोर्टल पूरी तरह उपलब्ध रहेगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में मेरिट सूची में आने वाले विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना से लाभान्वित किया जाएगा। मनेन्द्रगढ़ जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर जानकारी साझा की है। लोक शिक्षा संचालनालय के मुताबिक अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से मिली मेरिट सूची के
आधार पर मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत विद्यार्थियों के पंजीयन और सत्यापन के लिए पोर्टल को 27 फरवरी 2024 से 25 मार्च 2024 को शाम 5 बजे तक शुरू किया गया है। पोर्टल पर पूरी तरीके से गाइडलाइंस देखा जा सकता है। पोर्टल के लिए आप scholarships.cg.nic.in के होम पेज पर जा सकते हैं। कामन सिंह सोनवानी के पास स्कूल, कॉलेज, पोल्ट्री फार्म और तालाब, साथ ही एक फार्म हाउस भी उपलब्ध। दरअसल बात करें हम छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी पूर्व चेयरमैन कामन सिंह सोनवानी की, तो यहाँ इनके धमतरी जिले के छोटे से गांव सरबदा के रहने वाले हैं। गांव में उनका एक आलीशान बंगला है, फार्म हाउस है, 30 एकड़ के अधिक जमीन है, खेती बाड़ी भी है, बड़ी गाड़ियाँ हैं, पोल्ट्री फार्म है, मत्स्य है, सुअर पालन का कारोबार है। 8वीं तक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। स्कूलों में छात्रों को लाने ले जाने के लिए कई बसें संचालित हैं। जामगांव में कॉलेज, रायपुर, धमतरी, अंबिका पुर, दुर्ग और जसपुर जिले में घर और जमीन है। इनमें से कई संपत्तियां टामन सोनवानी ने चेयरमैन पद पर रहते हुए खड़ी की है। संपत्तियां पत्नी, बेटे और बेटे साथी परिवार के अन्य सदस्यों के नाम पर खरीदी गई हैं। इस पूरे मामले में 3 बड़ी सरकारी एजेंसियां जांच में जुट गई है। आय से अधिक संपत्ति के मामले में सबसे पहले ईओडब्ल्यू ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दिया है और अब चयन में गड़बड़ी के मामले में बालोद पुलिस ने नामजद FIR भी दर्ज कर ली है। सट्टे की कमाई से पूरे देश में 5,000 करोड़ से भी अधिक का निवेश किया गया। छापे में कैश समेत 3,64,00,000 रुपए की जेवर और 580 करोड़ के ट्रांजैक्शंस बरामद हुए हैं। ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी है। भिलाई के सटोरियों की धरपकड़ से शुरू की गई कार्यवाही अब पूरे देश के बड़े हवाला कारोबारी और शेयर मार्केट ट्रेडर्स तक भी पहुंच गई है। पुलिस के बाद प्रवर्तन निदेशालय की टीम पिछले 2 साल से छापेमारी कर रही है। पिछले 3 दिनों से पुणे, बेंगलुरु, मुंबई और दिल्ली कोलकाता के ईडी ने रायपुर के साथ मिलकर छापेमारी की है। 3 दिनों की जांच में ईडी को तकरीबन 1,86,00,000 रुपए कैश, 1,78,00,000 रुपए के जेवर और संदेहियों के खाते में 580 करोड़ के ट्रांजैक्शंस मिले हैं। ये ट्रांजैक्शन हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है, इसे फ्रीज कर दिया गया है और ये सब मामला महादेव सट्टा ऐप से जुड़ा हुआ है।